पानीपत में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें सिविल के अस्पताल की हैं, जहां पानीपत से लापता हुए 21 साल के हनी का शव दिल्ली के समालका पैरेलल नगर से बरामद किया गया है। हनी के पिता की माने तो उनके बेटे की हत्या की गई है और उन्होंने इसका आरोप हनी के साथ रहने वाले दोस्तों पर लगाया है और पुलिस से मामले की जांच की गुहार लगाई है। तो सुबह से फोन करी ना अपने घर पे अपनी मम्मी को, तो मैं घर पे आ रहा हूँ, नाश्ता बना दो, मैं दुकान खोल के। तो उसके बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कराया और 12 बजे पता भी लग गया कि डेथ हो गई है। इतना ही पता लगा, अभी 2 घंटे के अंदर अंदर जो इसके लड़के थे भाई उनका ही पता लगेगा, अभी कहाँ थी उनकी लोकेशन से सारा कुछ जब भी पता लग सकता है। लड़का नरेणा गांव में मिला है, नरेणा नदी पे, नहर में। वो लड़के कौन इसके साथ थे? आज के साथ होंगे जो इस समय थे, अभी सब नाम तो हमें पता नहीं कौन है कौन नहीं है, अभी वो तो कौन की लोकेशन से पता लग जाएगा। अभी हाँ पुलिस ने वो नेट पर डाला था उनकी, उसकी फोटो आईडी थी। आखिरी बार लड़के ने किसको फोन किया, क्या बोला था? आखिरी बार संभव है 10 बजे तो घर पे फोन करा उसने, 10 बजे घर पे फोन बात की ऐसे होगा, अपनी मम्मी से बात करी है, मैं दुकान पे खोल के दुकान को घर पे आ रहा हूँ नाश्ता करने के लिए, उसके बाद स्विच ऑफ था। हाँ फिर 12 बजे तो भाई पता कन्फर्म हो गया था भी डेथ हो गई है इसकी, लड़के की नदी में उसकी लाश मिली है, ये पुलिस वालों ने बताया। फिर आईडी उसने डाल की थी, वो कुछ थी भतीजा उसके पास, उसका दोस्त है, उसने कहता ये हनी मेहता है, कहने लगा ये कौन है, कहने लगा ये मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का। तो फिर उन्होंने फोटो दिखाई, इनको व्हाट्सएप भेजी, तो दिखा के उन्होंने कहना ये तो हमारा लड़का है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर ही सारा काम कर दिया उन्होंने। 2 घंटे फिर बिल्कुल पूरी जाँच जाएंगे। हनी के पिता का आरोप है कि मरने वाले पहले हनी अपने दोस्त के साथ था। हनी की डेड बॉडी 12 बजे करीब नगर में मिली, लेकिन हैरानी की बात है कि सुबह 10 बजे हनी ने अपनी मां को फोन करके कहा था कि मैं घर आ रहा हूं। हनी तो नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लापता शव की हनी की पोस्ट चल रही थी। परिवार डेड हाउस पहुंचा तो शव उनके बेटे का ही था। नम आंखों से बोलते हुए हनी के पिता ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल समालखा पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और गहनता से जांच कर रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।